अस्सलाम वालेकुम जी, ये जब से हुकूमत आई है ये लगे हैं ना, एक किलो चीनी जिसके गरीब बच्चे हैं 6-7, वो एक किलो से क्या करेगा? करेगा ना, फिर नमाज पढ़े ना रोजा करें, बस इस लाइन में लग जाएं। अच्छा, मैंने देखा कि फल के ऊपर इस कमबख्त ने हमें ना ट्रक की बत्ती के पीछे जलील ने लगा दिया, इसलिए इसको हम लेके आए थे वोटें दे के। ये नया पाकिस्तान, गर्मी देखो, नवाज शरीफ के दौर में किसी को आवाज, नवाज शरीफ के दौर में ये था ठंडे लोग मानते सी। पाकिस्तान करेगा, मेनू वोट दियो, मेनू वोट दियो। हमें ना बोले बोले, हमें चोर वजीर आजम अच्छा कोई भी आ जाए, मगर हमें ना अहल ना लायक बेवकूफ दुनिया का हमें नहीं चाहिए। इस को सामने आए पब्लिक सारी गोली मार के उड़ा दे, इतना गुस्सा, इतना गुस्सा यार, देखो तो सही लोगों का हाल क्यों। इनके पास पैसे नहीं है, लोग पैसे ले लेके फिरते, चीजें नहीं मिलती। इस अपनी को देना सारा कुछ, तू जा बेचिया मशीन दे बहाने, वो मशीने बना के अरबा रुपया ले गई है, ते असी गरीब की करिए, असी इस मुल्क दे वारस हैं। कुछ टाइम दे दे उन्हें। कैसे टाइम दे दे, 10 महीने हो गए, रो कभी वजीरे खारजा, कभी वजीरे कानून, कभी अकाउंट वाला बोल दिया, उसको शर्म नहीं आ रही, उसको बता छड़िया कराया तो इन्हें ना बता देता, गरीब किथे जान। मैं आलू लाए ना तो मिलकर मैंने आंदर प्याज वाली दोबारा लैन च ला के आ, एक सूल कटे ने नवा पाकिस्तान ये बनाया, फर्क हो चुका है। नवा पाकिस्तान अल्लाह करे जिन्होंने इनको मुसल्लत किया उनका बेटा गर्क हो जाए। कह रहे जो हमें चोर अच्छा, हमें चोर अच्छा, हमें ना अहल ना लायक। चौधरी और शीतू रेलवे वाला सब का बेटा गर्क हो जाए, दुआ करो मार रिकॉर्ड तोड़ देता हो जाए। इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, चलना चाहिए। और जरा फुआद चौधरी बैठी है ना सियालकोट दी, उसको दिखाओ जरा चूना बुला के ना जो